है। तो अभी हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ उड़ीसा कोस्ट बोल रहे हैं, मीन्स ऑफ उड़ीसा कोस्ट आपका जो आएगा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर रिकवर होने का बाद। तो इसमें डिस्टेंस अभी नहीं कहा जाता है, इसमें आपका एरिया ही कहा जाता है। हाँ अभी हमारा मॉर्निंग 8:30 ऑब्जर्वेशन एनालिसिस में था ना, अभी आपका हमारा 11:30 ऑब्जर्वेशन होता है, फिर 2:30 ऑब्जर्वेशन होता है। ये एनालिसिस होने के बाद आपका इवनिंग तक, फिर मतलब इवनिंग बुलेटिन में शायद हमारा डिप्रेशन हो ये आ जाएगा। साइक्लोन होने से आप लोगों को सबका तो पता है, ठीक है, नाम जो ऑलरेडी है वो दिया जाएगा एक एक करके सीरियली। हमारा 169 नाम पर सीरियली है, ठीक है। नहीं नाम अभी तो साइक्लोन का नहीं दिया जाता है, ठीक है, साइक्लोन होने के बाद ही तब नाम दिया जाता है। नॉर्मली हमारा ऐसा तो ये अभी इस सिस्टम के लिए नहीं बोला गया है, बट नॉर्मली रिकाप होने का टाइम में थोड़ा सा ये होता है, बट अभी इस सिस्टम के लिए उस तरह से फोरकास्ट अभी नहीं दिया गया है, अभी मॉनिटरिंग में है, क्लोज सर्विलेंस में है, जैसा जैसा होगा अपडेट दिया जाएगा। रिकाप नॉर्मली सिस्टम जो होता है हमारा गाइडेड होता है अपर एयर विंड का, ठीक है, प्लस हमारा प्रेशर पैटर्न का। तो वो जो पैटर्न है उसमें से हमारा और भी फैक्टर्स है, जैसे हमारा सी सरफेस टेम्परेचर किधर ज़्यादा है, डिफरेंट लेयर में विंड क्या है, ये इसको एनालिसिस करके हम लोग ये करते हैं जो किधर सिस्टम जाएगा, उसी तरह से ट्रैक फिक्स्ड होता है, ठीक है। कोस्टल एरिया में हमने बोला आपका 11th में हमारा स्क्वाली विंड स्पीड होने का चांसेस है 40 to 50 गस्टिंग टू 60। हाँ हेवी रेनफॉल का जैसा हमने बोला आपका 10th में और 11th में, अभी अगला 5 दिन में 10th और 11th आ रहा है। 10th में हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी दिया है, बट ये गजपति गंजाम पुरी और 11th का गजपति, 11th का गजपति छोड़कर के हमारा गंजाम पुरी जगतसिंहपुर खुर्दा एंड कटक ये सब डिस्ट्रिक्ट में है। कोस्टल विशाखा में मेनली अलोंग द कोस्ट लाइन हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है।